कैसे भूल रहे हो? नहीं नहीं मैं कहाँ भूल रही हूँ, तुम अंजलि को जानते हो? कौन अंजलि? जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, आप उसको नहीं जानते? उससे बात करता था, उसकी मम्मी ऐसी निकली। आप कौन हो पहले ये बताओ। मैं उसी की मम्मी हूँ। अंजलि की मम्मी लग तो रही नहीं वैसे, सौतेली मम्मी लग रहे हो जैसे आप बात कर रहे थे, अब ऐसे बात कर रहे हो। आप मेरी बेटी को तंग करोगे तो मैं आपसे नहीं बोलूंगी कुछ भी। बेटा मुझे जिस हिसाब से मेरी बेटी ने बोला था, मैं उस हिसाब से तो आपसे बात करूंगी ना फोन पे। जब उसने मुझे बोला कि ये लड़का मुझे तंग करता है, तो मैं आपको क्या प्यार से बात करूंगी? आप अगर मेरी बेटी को तंग कर रहे हो तो मैं आपसे क्या प्यार से बोलूंगी? आप मुझे खुद बताओ, उसके पास कोई भी फोन नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? इतनी देर से मैं बुला रहा हूँ वहाँ पर, तुम्हें कॉल भी करी है मैंने, बाइक लेके आ जाओ, तुम बाइक लेके नहीं आ रहे। भाई ले जा भाई, ये चल। अरे तू है किस टाइप का लड़का, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ? नहीं तू है किस टाइप का, मतलब बाइक भी लोगों से मांग के चल रहा है। आज के बाद मेरे लड़के के आसपास में मत दिख जाइयो, भाई मारूंगी पकड़ के। तुमने अपनी बाइक की चाबी दे दी मेरे को? ये मेरी बाइक है। हां मेरी बाइक की तो चाबी दो। हाँ। तुम हो ही गोल्ड डिगर, तुम्हारी जुबान ही पल रही है। तुम तो क्या नाम है लड़के को देख के जज कर रहे हो। मैं तो और बढ़िया है, असली सामने आ गए। जाओ आप मौज लो, मौज लो। राम राम जी, स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल खुराफाती राहुल में, और मैं लेकर आया हूँ आज की वीडियो। आपने पहले वीडियो देखी होगी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की, जो मम्मी थी उसको लेकर वीडियो है। उसका उसकी मम्मी ने उसको घर पे जाके कुछ बोला, उसका मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी तुमने मेरी मम्मी को क्या बोला। आज वो मिलने आ रही है, तो मिलने आ रही है तो आज उसके ऊपर भी हो जाए एक प्रैंक। चलिए उसका वेट करते हैं, आने वाली अभी पार्क में ही है। तो दोस्तों आने वाली है आज भी, आज तो कह ही करेंगे कुछ। उस दिन मम्मी तो इसकी बच गई थी, उल्टा साथ मेरे से ही नहीं कट गया था, आज इसके साथ देख लेते हैं कुछ कैड़ा सा करके। पार्क में तो आ गई है वो। हेलो, ए पार्क में ही हो बाहर हो, इतनी देर से खड़े हो? हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैं कह रहा हूँ पार्क में कहाँ रह गए तुम? तो पार्क में आ गए थे। पार्क में कहाँ? यही हूँ। लास्ट में नहीं आए आप? लास्ट में तो हूँ यार। अरे ये रहना तुम्हारे सामने। अच्छा अच्छा, अरे तुम भी यार रले फिर रहे हो। मतलब पहचान में ना आता क्या? ना। और आज कैसे मौसम सा बना रखा है? और क्या? मैं बात करने आई हूँ तुमसे। वो तो मुझे भी पता है बात करने आई हो। हाँ। बताओ तुमने किसी से कुछ कहा? किससे क्या कहा? किसी से तो कुछ कहा होगा। हाँ किससे कहा था? तुमसे किसी ने कहा? मुझे किसी से किसी ने कहा होगा, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ मैं। तुम्हारी मम्मी मिली थी लास्ट टाइम? अभी मम्मी मिली थी तो। हाँ क्या बात हुई थी? जो होती है बात। क्या बोला मम्मी ने? आपने इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में हूँ ना, आप बताओ क्या बात हुई थी मम्मी की और आपकी? मम्मी से मैंने यही बोला जो तुमने, क्या नाम, मम्मी तुम्हारी मेरे को बोल रही थी उल्टा सीधा, जैसे उल्टा सीधा पहले बात करती थी, बाद में हमारा सब कुछ फाइनल हो ही गया था। भाई तुम अपनी लाइफ में घुस, मैं अपनी लाइफ में घुस, नॉर्मली था सब ठीक। हाँ। था ना, मैंने आप नहीं, आपने मुझे परेशान किया ना मैंने आपको परेशान किया, सब नॉर्मल हुआ था। तुम्हारी मम्मी पता नहीं उस दिन कैसे मिली मेरे को, पता नहीं कैसे जाना पहचाना, मैं तो पहचानता भी नहीं था तुम्हारी मम्मी है, वही बोल रही थी क्या नाम है अपना मास्क तान था। मैं तो उस दिन डर और गया था, मैं क्या सीन कट गया, मैंने किसको छेड़ दिया। फिर तुम्हारी मम्मी बोलने लगी क्या नाम अंजलि को जानते हो ये, मैं कहा हाँ जी, मैं खुद शोक में रह गया, मगर यार ये कैसे जानती है। तो मैंने तुम्हारी मम्मी को ये बोला क्या नाम है तुम्हारी मम्मी से, क्या जो तुमने मेरे को बता रखा मेरी मम्मी पीटती है मारती है, वही चीजें मैंने डिस्कस करी है तुम्हारी मम्मी को, बस इतनी बात हुई। यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मम्मी को? ऐसे क्या? झूठ बोल रहे हो आप? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपकी आदत नहीं गई झूठ बोलने की? आदत मतलब यार तुम लड़के का भी वही है, मतलब सच बोलो तो झूठ लगता है और झूठ बोलो तो सच लगता है। डायलॉग तो मारो मत, मैं आपसे बात कर। डायलॉग ना मारो, हर किसी के ये है, हर देखो सबकी यही प्रॉब्लम है। झूठ अगर बंदा झूठ बोल मतलब झूठ बोलता रहेगा तो तुम्हें सच लगेगा, जिस दिन सच बोल दो तो उस दिन तुम्हें झूठ लगेगा। यही बोला मैंने तुम्हारी मम्मी से, तुमने जो बता रखा था मेरी मम्मी मारती है पीटती है मेरी सैलरी भी ले लेती है और मेरे से सारा काम करवाती है, मैंने तो जबकि ये तक बोल दिया, मगर तुम्हारी मम्मी सौतेली है क्या? मैंने तो ये तक बोल दिया था, इतना ही बोला बोल दिया मम्मी से। तो तुम्हारी मम्मी पर मैं उस दिन मुझे गुस्सा आ गया, तो तुम्हारी मम्मी ने भी तो बहस निकाली थी पुलिस, तो तुम्हारी मम्मी तो उस दिन कह रही थी ना तुम्हें समझना चाहिए मैं लड़की हूँ, मेरी मम्मी है, मुझे मारेगी कितना।
तो तुम्हारी मम्मी बोल रही थी उस दिन क्या नाम है जब फोन पे उन्होंने मेरे को डांटा पीटा पुलिस से उठवा देंगे मगर उठवा लो, तो मैंने भी उनको फेस टू फेस बोल दिया मगर बोलो ना उस दिन तुम्हारी मम्मी की ट्रेनिंग ऐसे चेंज थी बेटा बेटा ऐसा करके बात कर रही थी जैसे आज ही दामाद बना लेंगे। अच्छा हाँ तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है ना। तो खत्म हो गया मैं कौन सा पैचअप करने के लिए बुलाया तुम ही आई हो मुझसे मिलने क्या बोल रही है। ये बात करनी थी ना मम्मी ने मेरे से बात करी है। हाँ तो मम्मी ने तो इससे ज्यादा तुम्हारी मम्मी ने बताया ना क्या क्या बोला। तो आपने ये बात बताई मम्मी ने मुझको ये बात बताई कि तुम्हारा ये क्या है क्या तूने मेरे बारे में ऐसा बताया उसको मैं तेरी तो देखो मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने थोड़ी ना गया था पता नहीं मुझे कैसे मिल गई तुम्हारी मम्मी जानती थी मैं तो तुम्हारी मम्मी को जानता भी नहीं था। तो यार मैंने मम्मी की तुमसे बोली तुम मम्मी की ये कोई ना कि मम्मी को बोल दोगे जाके मम्मी मुझे डांट रही है मार रही है और तुमसे मम्मी प्यार से ही बात कर रही है। अब तुम्हारी मम्मी की आदत ही ऐसी तो मैं क्या करूँ बताओ। यार मम्मी के प्यार से बात करने में सब कुछ कोई ना पूर दोगे आप तो। और तुम्हारी मम्मी ने हाँ तुम्हारे बारे में भी उल्टा सीधा बोला फिर मेरे बारे में क्या बोला क्या नाम है तुम अपनी मम्मी जब हम रिलेशनशिप में सही रह रहे थे उसके बावजूद तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी उससे होती तो डायरेक्ट बताते तो तुम्हारी मम्मी ने पता क्या बोला तुम्हारी मम्मी बोल रही क्या नाम है अंजलि ने उल्टा मुझसे खुद बोला कि है ना ये मम्मी लड़का क्या नाम है मेरे पीछे रोज फॉलो करता है और मेरे को है ना क्या नाम है सुबह का टाइम भी फॉलो करता है शाम का टाइम भी बस इस टाइम तक आता है मेरे पीछे। तो यार मैंने डर के मारे ये सब चीजें बोली थी ना मम्मी से मम्मी ने आपकी फोटो देख ली थी तो एकदम से मैं क्या बोलती मैंने ये सब चीजें बोल दी मम्मी से और आपने मम्मी को इतना कुछ बोल दिया मैंने आपसे बात शेयर करी आप मम्मी को कोई ना बोल दो। मगर उस दिन मैंने तुम्हारी मम्मी बोल रही थी क्या नाम अंजलि ये कह रही थी फॉलो करता है ये सुबह भी फॉलो करता है शाम को भी फॉलो करता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे बोल देते तुम्हारी मम्मी ऐसे बोल रही थी। यार मम्मी ने उस दिन मैं आपसे बात कर रही थी ना हाँ। तो मम्मी ने फोन पकड़ लिया और मैं डर के मारे मैंने बोल दिया। तो यार एक बात तो बताओ जब सुनो सुनो यार मैं यार जब मैंने तुम्हें रिलेशनशिप में थे हम जब मैंने तुम्हें जब परेशानी का तो मैं अब क्यों करूँगा यार मुझे कोई वो थोड़ी ना आया तुम्हारे अब इंटरेस्ट वगैरह मतलब जो है हमारा नॉर्मल पहले इंटरेस्ट था। अब यार मतलब कहने का मतलब वो नहीं है मतलब अब जब हम एक दूसरे में मतलब हम साथ में नहीं है मतलब अब मैं तुम्हें परेशान थोड़ी ना करूंगा जब मैंने तुम्हें जब नहीं किया तो अब क्यों करूंगा मैं। तो हमारा सिंपल सी तो हुई हूं ना मम्मी ने मेरे को डांटा मैं तुमसे देखो ब्रेकअप तुम भी करना चाहते थे मैं भी करना चाहता था ठीक है ना मतलब दोनों को पॉइंट नहीं मिल रहा था कहाँ कर ले पर हमारा नॉर्मली हो चुका था ना सब तो मैं फिर उसके बाद क्यों परेशान करूँ जब मैं चाह रहा था। क्यों गए थे तुम्हारी मम्मी अंजा मिली थी मेरे को बताया तो था यार स्टार्टिंग में हाँ तुम्हारी मम्मी नहीं पहचानना था तुम्हारा उस दिन फोन छीना तुम्हारा जब फोन छीना होगा तुम्हारी देख ली होगी फोटो खींचने का तो तुम्हें शौक रहा है ना रखने का। हाँ तो फोटो हाँ तो रखो ना पकड़वाने सबूत तो तुम पहले ही रखो इकट्ठे करके इधर को आ जाओ और बताओ। और कुछ नहीं बस यही बात करनी थी तुम बताओ तुमने तो मम्मी को बोल दिया मम्मी मेरे को सुना तो मम्मी से दोबारा बात करवा दियो वैसे तुम्हारी मम्मी भी अच्छी थी है? आपको मम्मी अच्छी लग रही है ना मुझे तो तुम ही लग रहे हो अच्छे। अब मैं अच्छी लग रही हूँ दोनों में से एक को चुन लो तुम्हें चुन तो रखा मैंने तो तुम्हें पहले से ही चुन रखा होता ना सब ब्रेकअप नहीं करते और अब कौन है कोई भी हो आपसे क्या मतलब इतना भी नहीं पूछ सकते नहीं हक ही नहीं है आपको हक नहीं है फ्रेंड तो है बॉयफ्रेंड का हक था मम्मी से तो जाके मेरे से मेरी बातें कर दी ये तुम्हारी लड़की ऐसे बोलती है तुम्हारी लड़की वो बोलती है तुम्हारी लड़की ये करती है तुम्हारे लिए ऐसे बोलती है तो अब मैं कहाँ से तुम पे विश्वास करूँ कल को मेरी फ्रेंडशिप फिर हो जाएगी फिर तुम कुछ ना मतलब विश्वास पहले भी तो था नहीं तुम बस झूठी बोलते हो झूठी बोलोगे तो आ जाओ ना दोबारा कर लो ना क्यों नहीं करनी दोबारा अब मेरे को मेरा भी कोई है मतलब आज खुद पे प्रॉब्लम आई तो खुद मिलने आ गए इतने दिन मैंने बीच में एक बार मतलब बीच में मैंने एक बार मिलने के लिए बोला उस टाइम पे तो बोल देता काम नहीं है पता ही है सुन के मम्मी ने मुझे डांटा आके तुमसे मिलने गई है मम्मी फिर मम्मी मुझे बोल रही है उल्टा सीधा मैं इसलिए मिलने आई हूँ यहाँ पर यहाँ इसलिए बुलाया मैंने तुमको तो हो गया तुम्हारा बस मैंने यही बोला इससे ज्यादा कुछ नहीं अब और बताओ तुम अब तो तुम्हारी मम्मी भी खुश है बेटा बेटा करके बात कर रही है अब तो आई जाओ रिलेशनशिप में दोबारा और तो बेटा बेटा करके बात करती है कि जब चाहो रिलेशन में आ जाओ और जब चाहो चले जाओ तो कैसे होता है कर लो अब मत करो ऐसे कैसे होता है हैं अब आएगा क्या आएगा हैं अरे क्यों नहीं मेरा ऐसे मत तो खराब हो रहा है। अच्छा तो मैं ठंडा कर दूंगा इधर आ जाओ मेरे को नहीं आना अरे सुन तो लो क्या सुनूं अरे आओ तो सही इधर आओ बोलो
क्यों नहीं आना? अब कोई यार मतलब और कोई क्या है हमारे रिलेशन में? ये बंदा एक सीक्रेट नहीं रख सकता है। मैंने कुछ तो जो चीजें पहले हुई है वो ना होने के दोबारा ऐसे कैसे? मैं क्या मान लूं? अब नई नई चीजें होगी, अब नई नई चीजें होगी। अब नहीं होगा, अब जो खत्म, आपने मेरे से ब्रेकअप कर लिया, मैंने भी कर लिया बात। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब मैं बोल रहा हूँ दोबारा, अब वो चीजें नहीं होगी, नई नई चीजें होंगी। आप फिर ऐसे झूठ बोलोगे? मैं इसमें झूठ क्या बोलूंगा? अब क्या दिक्कत है? अब तो तुम्हारी मम्मी मान रही है, अब तो तुम्हारी मम्मी मान रही है। मेरी मम्मी मान रही तो आ जाओ दोबारा। मतलब अब कहने का मतलब ये है, जो पहले जिस चीज को लेकर हमारी लड़ाई हो रही थी वो चीज नहीं होगी। अब नई नई चीजें करेंगे ना, पहली चीजें कंटेन वो आएगी नहीं। क्या नई चीजें? वही नई नई चीजें। क्या नई नई चीजें? जो होती है नई नई। क्या होती है बता रहे जरा? वही वाली। वही वाली कौन सी? वही। कौन सी? वही। वही कौन सी? वही। उधर क्या है? वही देखो। क्या है उधर? अरे वही। वहाँ क्या है? इधर आओ, वो देखो, दिख रहा दूर कुछ? क्या दिख रहा है? देखो ना वो कैमरा दिख रहा है। हाँ। क्या है दिख रहा है? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? कहना क्या है आपका? फिल्म बना रहा हूँ। फिल्म बना रहा हूँ तुम्हारे ऊपर? मेरे ऊपर क्यों बना रहे हो? हाँ। अब पब्लिक के सामने मेरे ऊपर? हाँ। फिल्म बनाओगे? राहुल अंजलि की दास्तां अधूरी कहानी है। रहने दो, मजाक मत करो, क्या भी झूठ बोलना है, सही बता दो। मजाक क्या? सही बता दो। मजाक निकल रहा, प्रैंक कर रहा था। प्रैंक कर रहे थे? हाँ। वैसे मजाक प्रैंक बात एक ही है। हो गया? अब भी पूछ रहा हूँ सीरियस में, मैं वैसे सीरियसली पूछ रहा था। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लो। आज अंजलि का कट गया, मतलब कटा नहीं है यार, नॉर्मल, अब तो यार नॉर्मल फ्रेंड है जैसा भी है। और मिलते हैं अगली वीडियो में।